अस्सलामुअलैकुम, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोप्लाज्मा की। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो होता है, इट कॉजेज हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये भी डायमॉर्फिक फंगस होता है, एग्जिस्ट एज मोल्ड इन सॉइल एंड यीस्ट इन टिश्यू। इसका चीज़ ये याद रखनी है कि जो इसकी मोल्ड फॉर्म होती है ना, मोल्ड फॉर्म दे बेसिकली जो मोल्ड की फॉर्म, जो मोल्ड वाली टाइप होती है, इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर इंपॉर्टेंट, ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया। जो मैक्रोकोनिडिया ये टिपिकल थिक वॉल्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनकी, जिस उन्होंने आगे फिगर में दिखाया हुआ भी है। दिस इज योर ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया, और हम अभी आगे पढ़ेंगे ये लैब डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्टोप्लाज्मा की। और माइक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया आर स्मॉल एंड थिन, एंड ये हम इन्हीं से ही जब इनको इनहेल किया जाता है तो इनसे ट्रांसमिशन होती है। ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया फॉर लैब डायग्नोसिस, वेयर एज योर माइक्रोकोनिडिया फॉर योर ट्रांसमिशन, जो कि उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ भी है कि माइक्रोकोनिडिया विच आर स्मॉल थिन स्मूथ वॉल्ड स्पोर्ट्स that if inhaled they transmit the infection। अब इनकी ट्रांसमिशन एपिडेमोलॉजी क्या है कि दे आर एंडेमिक इन ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर वैलीज। इसका देखा गया कि ये बेसिकली ये सॉइल में ग्रो करते हैं, एंड ये कौन से सॉइल में ग्रो करते हैं, जो ये वाली हिस्टोप्लाज्मा स्पीशी है, इट ग्रोज इन दैट सॉइल विच इज़ हैवीली कंटेमिनेटेड विद बर्ड ड्रॉपिंग्स। बर्ड ड्रॉपिंग्स का क्या मतलब है, जो बर्ड्स अपनी जो गंदगी करती हैं वहाँ पर हिस्टोप्लाज्मा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये देखा गया है कि जो बैट्स हैं, नॉट बर्ड्स बट जो बैट्स होती हैं आपकी, बैट्स कैन बी इन्फेक्टेड, जो चमगादड़ जो होती है, दे कैन बी इन्फेक्टेड एंड दे ऑल्सो एक्सक्रीट दीज ऑर्गेनिजम्स इन देयर गोना, बेसिकली इन देयर ये कहते हैं वही जो उनकी एक्सक्रीशन होती है वहाँ पे भी, उसमें भी हमको ये वाला हिस्टोप्लाज्मा स्पीशी मिलती है। ये और ये देखा गया कि जहाँ पे ये वाली स्पीशी एंडेमिक है वहाँ पे होता क्या है, जब वहाँ पे एक्सकेवेशन होती है, एक्सकेवेशन ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या एक्सप्लोरेशन हो रही हो बैड इन्फेस्टेड केस की, तो उससे होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये फिर आपकी इन्वायरमेंट में फैल जाता है, जिसको जब इनहेल करते हैं तो फिर वो हिस्टोप्लाज्मोसिस कराता है। अब हिस्टोप्लाज्मा की पैथोजेनेसिस क्या है कि ये जो इनहेल स्पोर्ट्स होते हैं दे आर इनगल्फ बाय मैक्रोफेजेस एंड दे डिवेलप इनटू यीस्ट फॉर्म। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि दे ऑकर एज एन ओवल बडिंग यीस्ट इनसाइड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज के अंदर दिखाया हुआ है हिस्टोप्लाज्मा, दे ऑकर एज ओवल बडिंग यीस्ट, और ये देखा गया कि जो यीस्ट होती है इट सर्वाइव्स विद इन द मैक्रोफेजेस। इवन तो हमें पता है कि मैक्रोफेज के पास काफ़ी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं और फेगोलाइसोसोम्स होते हैं, लेकिन यीस्ट क्या करती है, यीस्ट बेसिकली एक एल्कलाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो रेस हो जाता है एंड देयर बाय इट एन एक्टिवेट्स एंड इट डिग्रेड्स द एंजाइम्स ऑफ फेगोलाइसोसोम, जिससे जो यीस्ट है वो सर्वाइव कर जाती है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये बॉडी में आपको कहीं पे भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लिवर और स्प्लीन में स्प्रेड करता है, और जो इसके भी इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो ग्रैनुलोमेटस फोका है हमें मिलते हैं, यूजली हील बाय कैल्सिफिकेशन। इसका बस ये देखा गया कि जो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं कि जो एक्यूट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है दे मैनिफेस्ट एज फीवर, हेडेक, चिल्स, कफ्स एंड चेस्ट पेन, और इंटेंस एक्सपोजर में दे कैन ऑल्सो बिकम सिम्टम्स लाइक निमोनिया, कैविटी, लंग लीजन्स। वेयर एज जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन आर करेक्टराइज बाई फीवर, डिस्निया, प्रोडक्टिव कर्व इन पेशेंट विद अंडरलाइंग लंग डिजीज, और ये देखा गया कि हमको जो लंग्स के पाइसेस हैं वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स और कैविटीज भी मिलती हैं जब हम चेस्ट रेडियोग्राफ के थ्रू देखते हैं। इसमें भी एरिथ्रमा नोडोसम मिल सकता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था जो एरिथ्रमा नोडोसम था, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा था, वो हमको इस डिजीज में भी मिल सकता है। इसका ये देखा गया कि जो हम इसका स्किन टेस्ट करते हैं यूजिंग हिस्टोप्लाज्मिन इट बिकम्स पॉजिटिव विद इन 2 to 3 weeks। वहाँ पे हमने कोक्सीडियोस में पढ़ा था वो पॉजिटिव हो रहा था 2 to 4 weeks में। यहाँ का जो स्किन टेस्ट है इसकी भी इंड्यूरेशन 5 millimeter की होनी चाहिए, इट बिकम्स पॉजिटिव विद इन 2 to 3 weeks आफ्टर इन्फेक्शन एंड रिमेंस पॉजिटिव फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट, इतना यूजफुल नहीं होता डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि ये देखा गया कि इसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन भी मिल सकते हैं ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिविटी एंड फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन भी मिल सकते हैं इन डिसमिनेटेड डिजीज। तो इसलिए ये इतना डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लैब डायग्नोसिस की क्या है, लैब डायग्नोसिस ये है कि हम टिश्यू बायोप्सी स्पेसिमेन से या बोन मैरो एस्पिरेट्स में हमें वही ओवल यीस्ट सेल्स मिलेंगे विद इन मैक्रोफेजेस, विच इज़ इसकी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। और ये देखा गया कि जब हम इसको सेबॉर्स एगार में कल्चर करेंगे तो वहाँ पे हमको जो ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया था, जो कि लैब डायग्नोसिस के लिए मैंने कहा था याद रखना है, हमको सेबॉर्स एगार में हाइफी मिलेंगी विद ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया। इस तरह की हमको फिगर मिलेगी एट 25 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज 35 डिग्री टेम्परेचर पे हमको यीस्ट मिलेंगी। और जो एलिसा के टेस्ट होगा उससे हम इसका पॉलीसेक्राइड एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, वेयर एज हम डीएनए प्रोब से इसकी जो आरएनए उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जस्ट लाइक कॉक्सीडियोल्स हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मा का एंटीजन यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए 2 सीरोलॉजिक टेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं, जिनका नाम याद रख लेना है, एक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और एक है इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। ये याद रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है इट इज़ मोर सेंसिटिव, वेयर एज जो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है इट इज़ मोर स्पेसिफिक। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मोर सेंसिटिव, इम्यूनो डिफ्यूजन इज़ मोर
स्पेसिफिक, और जो एंटीबॉडी टाइटर है ऑफ 1:32 इन द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट विद यीस्ट फेस एंटीजन दैट इज कंसिडर्ड टू बी डायग्नोस्टिक, वेयर एज इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट में हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट में हमारे पास डायग्नोसिस ये है कि जब वैन इट डिटेक्ट्स प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज या जब वहाँ पे हमें प्रेसिपिटेंस मिल जाएँ विच आर फॉर्मिंग टू बैंड्स एम एंड एच इन एगार जेल डिफ्यूजन ऐसे, देन इसका मतलब है कि ये इसके लिए पॉजिटिव है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में याद रखना कि हमें एंटीबॉडी टाइटर ऑफ 1:32 का मिलना चाहिए इन यीस्ट फेस एंटीजन, वेयर एज इम्यूनो डिफ्यूजन में याद रखना है हमको जो प्रेसिपिटेंस हैं वो मिलनी चाहिए फॉर्मिंग टू बैंड्स एम एंड एच इन एगार जेल डिफ्यूजन ऐसे। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी इसके लिए एक ही ड्रग का नाम याद रख लेना है जो आइट्राकोनाजोल है, वो इसमें इवन अगर ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर तो कुछ ट्रीटमेंट हम देते नहीं, लेकिन जब कोई लंग की वो डिजीज़ हो प्रोग्रेसिव लंग लीजन्स होने लग जाए तो आइट्राकोनाजोल ही ज़्यादातर दी जाती है। जो डिससेमिनेटेड कंडीशन है उसमें हम एम्फोटेरिसिन भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी चॉइस ऑफ वो है बेस्ट चॉइस जो होती है वो हम ज़्यादातर आइट्राकोनाजोल ही देते हैं, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं उनमें भी आइट्राकोनाजोल ही दी जाती है। जिन पेशेंट्स को हम मेनिनजाइटिस होगा उनमें जस्ट लाइक कॉक्सीडियोड्स हम फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं। प्रिवेंशन इसकी ये है कि प्रिवेंशन के लिए हमको देर शुड बी प्रिवेंशन इसकी ऐसे कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर इन एरियाज ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शन विच फॉर ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर वैलीज। सो दैट वॉज इट, आई होप इसी समझ में आ गया, थैंक यू।